हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मेहुल दीक्षित आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल भारी पेट्स पे। और जैसे ही आपने टाइटल देखा होगा, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है चेरी आइस पे। अब चेरी आइस जो है, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये जो बीगल है, बीगल की आँख पे जैसे देख सकते हैं आप, एक छोटा सा रेड कलर का स्पॉट आया हुआ है। तो ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से, तो ये जो है इसे हम कहते हैं चेरी आइस। यूजुअली चेरी आइस जो होती है, ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी सारे ब्रीड्स में आपको दिखाई देगा। फ्रेंच मैस्टिफ है, कई बार ग्रेट डेन्स में भी दिखाई देता है। बीगल्स में ज़्यादातर की इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है, तो इनमें भी आता है। अब ये चेरी आइस होता क्यों है? तो सबसे पहले तो एक ग्लैंड होता है जिसे काफ़ी सारे लोग टियर ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो उस ग्लैंड में अगर इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है, या फिर कोई इन्फेक्शन अगर होता है, तो उस केस में चेरी आइस जो है ये होना लाजमी होता है। तो इस केस में ही यूजुअली चेरी आइस होते हैं। और चेरी आइस का सॉल्यूशन क्या है? तो चेरी आइस में कई सारे ऑप्शंस होते हैं जिससे आप ट्रीट कर सकते हैं। अगर प्राइमरी डिटेक्शन आपका होता है, एकदम शुरू में आपका डिटेक्शन अगर होता है, तो आप उस केस में अच्छे से आप ट्रीट कर सकते हैं। कुछ मेडिसिंस है जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह से भी आप उसे ट्रीट कर सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक भी इस पर काम करती है। लेकिन वही अगर थोड़ा सा आगे चले जाए, जैसे इस केस में थोड़ी सी बड़ी साइज़ हो जाती है, हालांकि इनको उससे कोई तकलीफ़ नहीं होती है, फिज़िकली कोई इचिंग नहीं होगी या कुछ नहीं होगा, लेकिन इनको इनकी जो साइट है, विजन जो है वो बंद हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे, और आगे चल के इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस न बढ़े इसके लिए सबसे ज़्यादा जो प्रेफर किया जाता है वो है कि सर्जरी करके आपको ये जो चेरी आए है ये निकलवा लेना। तो ये सबसे बेटर ऑप्शन होता है, यानी सर्जरी एक प्राइमरी ऑप्शन होती है जिसका जो सक्सेस रेशो है वो 90% तक होता है। यानी करीब करीब 100 डॉग्स अगर हम सर्जरी देखते हैं, तो 100 डॉग्स में से जो चेरी आए हैं 90% डॉग्स में से निकल जाती है। हालांकि 10% ऐसे भी चांसेस होते हैं कि वो फिर से बढ़ जाए या फिर से वो रिटर्न आ जाए। तो इसी जो चेरी आए का, मैं आपको सर्जरी का एक छोटा सा क्लिप भी आपको दिखा देता हूँ कि सर्जरी में आपको कैसे वो आँखों में से जो ग्लैंड होता है वो पूरी तरह से हम निकाल पाते हैं। तो आज के बस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो लोगो है इसे क्लिक कीजिए और इस पे एक रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन आएगा, उसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे और सारे हमारे नए वीडियोस देख पाएंगे।